ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बड़ी बार प्रश्न किया जाता है कि प्रभु को किस तरह से हम रिझाएं, किस तरह से उनकी कृपा दृष्टि हम पर हो। कुछ ऐसा यत्न बताएं, कुछ ऐसा यंत्र दे, कुछ ऐसा मंत्र दे जिससे कि हमारे जो ईष्ट हैं, जो हमारे परमेश्वर हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाए। तो देखिए, प्रभु जो हैं वो भाव के भूखे हैं। उनसे अपनी जो भी विडंबना हो, जो भी आपके अंदर चल रहा हो, वो प्रभु से कह दीजिए। और प्रभु का स्मरण कैसे करते हैं, प्रभु से बात कैसे करते हैं, आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र दूंगा जिससे कि प्रभु की स्तुति अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले ये वचन यदि आपके मुख से निकलते हैं तो महादेव का हाथ आपके सिर पर हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तक के लिए प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपकी सात पीढ़ियों पर प्रभु का आशीर्वाद हो जाएगा। यूं समझिए कि आप इस लोक के ही नहीं अपितु जो स्वर्ग लोक है वहां के भी अधिपति के प्रिय हो जाएंगे। इस स्तुति से आप नीलकंठ को रिझा सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं और इसके बाद वो आपकी रक्षा करने में तत्पर रहेंगे। जब आप किसी भी मुसीबत में होंगे तो एक ढाल की तरह आपके सामने आ जाएंगे। अभी ये बहुत ही अजीब सी बात है, मैं अभी रात को सो रहा था तो रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई और एकदम से ये श्लोक मेरे सामने आ गया। तो इसमें प्रभु की इच्छा ही रही होगी कि मैं आपको बताऊं, तो मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था तो मुझे ये श्लोक मिला और इसके बाद जैसे एक आकाशवाणी हुई और मुझे ये प्रसार करने के लिए महादेव ने कहा। तो आप इसको जो है कंठस्थ कर लीजिए, रोज सुबह उठिए और इसको पढ़िए, भगवान की स्तुति कीजिए, इन शब्दों से स्तुति कीजिए तो महादेव आपके भंडार भर देंगे। भोले की फौज करेगी मौज, ये जो स्तुति है इसको रट लीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपके जो दुख हैं वो कोसों दूर चले जाएंगे और आप सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे, उस परमेश्वर को जान पाएंगे, उस परमेश्वर के पास आपका एक स्थान होगा और नीलकंठ से आपका जो है परिचय हो जाएगा, आप उनके समीप आ पाएंगे। जब भी सुबह हो एक बार परमेश्वर को याद करते हुए ये स्तुति जो है उनकी कर लीजिए तो परमेश्वर आपका पग पग पर ध्यान रखेंगे। जय भोले की। हे दिगंबर, हे नित्य, हे कृतांत, हे शूल पाणी, हे विकट, हे कराल, हे भयंकर मुख वाले, हे प्रभो, आपको मेरा नमस्कार है। आपका कोई रूप नहीं है फिर भी आप सुंदर रूप वाले हो। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। हे रुद्र, आप ही स्वाहाकार हो, आपको नमस्कार है। सभी देहदारियों के आप रक्षक हो और स्वयं ही प्राणियों की आत्मा हो। हे नीलकंठ, हे नील शिखंडी, हे अंगों में भस्म लगाने वाले, हे नीला लोहित, आपको नमस्कार है। हे सर्व प्राणियों के आत्मा रूप, आपको सांख्य शास्त्र पुरुष कहकर उच्चारण करता है। पर्वतों में आप मेरु पर्वत हो, नक्षत्रों में आप चंद्रमा हो, ऋषियों में आप विशिष्ट तथा देवताओं में वसव हो, वेदों में ओमकार हो, जंगली पशुओं में हे परमेश्वर आप सिंह हैं और हे लोक पूजित प्रभो, ग्रामीण पशुओं में आप बैल रूप हो। वर्तमान में भी आप जिस जिस रूप में होंगे उन उन स्वरूपों को भी हम सब देखें, जैसा कि ब्राह्मण जी ने आपको बताया है, काम क्रोध लोभ मोह विषाद आदि से रहित
आपको नमस्कार है। आप संहार के समय जिस अग्नि को प्रकट करते हो, उस विकृत अग्नि से ही समस्त विश्व भस्म होता है और उसी की सभी लोग अर्चना करते हैं। उसी अग्नि से काम, क्रोध, लोभादि उपद्रव तथा स्थावर जगम आदि सभी प्राणी मात्र जल जाता है। उस काल अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। हे सुरेश्वर, आप उस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभ देखने वाले, लोकहित के लिए सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। हे प्रभो, हमको आज्ञा प्रदान कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। करोड़ों प्राणियों के मध्य करोड़ों रूपों में भी आपको नहीं पहचाना जा सकता, अतः हे देवाति देव, आपको मेरा नमस्कार है।